नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं मुंबई से हूँ। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी को ठीक करते हैं, जो मेडिकल साइंस बोलती है ठीक नहीं हो सकती है या लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। आज मैं बात करूँगा अस्थमा की। पहले अपन अस्थमा के कुछ फैक्ट समझते हैं। पहला फैक्ट है अस्थमा का कि अस्थमा 100% क्योरेबल है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्ल्ड ओवर में अस्थमा से इफेक्टेड हैं। 4 लाख से ज़्यादा लोग वर्ल्ड ओवर में अस्थमा अटैक के कारण मरते हैं। ये बीमारी कोई भी एज में आ सकती है, मगर ज़्यादातर ये बच्चों की बीमारी आती है। ये बीमारी के मुख्य दो ही कारण हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल। 80% लोगों को साइकोलॉजिकल के रीज़न के कारण आती है और 20% लोगों को फिजिकल रीज़न के कारण आती है। ये बड़ा डायलॉग चलता है अस्थमा के बारे में कि दमा दम के साथ ही जाएगा, जो कि झूठ है, मगर लोगों ने मान लिया है। और इसके लिए वो इसको ठीक होने के बारे में इंक्वायरी करते नहीं है और कोशिश करते नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ नहीं है। ये अगर शुरुआती है तो 10 दिन में ठीक हो सकता है, और अगर 10 साल पुरानी बीमारी है तो भी ये 100 दिन में ठीक हो सकता है। चलो आगे देखते हैं कि इसके साइकोलॉजिकल कारण क्या हो सकते। इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है फियर, इनसिक्योरिटी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। ऐसे लोग बड़े डिप्लोमेट नेचर के रहते हैं, बड़े हिपोक्रेट रहते हैं और अपनी दिल की बात जल्दी से बताते नहीं हैं। ये लोग बड़े हेल्पलेस फील करते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत चिंता करते हैं और बहुत सोचते हैं कि हमारे कारण किसी को हम दुख नहीं पहुँचा देवे, और इसके लिए नहीं बोलते हैं। जब अगर पेरेंट्स बड़े डोमिनेटिंग होते हैं या फैमिली मेम्बर बड़े डोमिनेटिंग होते हैं तो भी ये बीमारी आती है। जब किसी में क्षमता नहीं रहती है कि अपनी बात खुल के बता सको कोई भी फियर के कारण, तो ये बीमारी ज़्यादा आती है। सबसे बड़ा फिजिकल कारण है कि ऑक्सीजन की कमी। ये लोग जो तरह से सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँचता ही नहीं है, और धीरे धीरे जो एयर सैक्स रहते हैं, जो मिलियंस ऑफ एयर सैक्स रहते हैं, वो सब होल बंद हो जाते हैं और इनकी ब्रीदिंग बड़ी शैलो हो जाती है। कोल्ड और कफ के कारण भी ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है। अगर हवा में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। अगर आजू बाजू में कोई स्मोक करता है या पॉल्यूशन है या किचन का धुआं ज़्यादा है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। ऐसे बच्चे के अंदर बड़ा वॉयलेंस रहता है, और ये ज़्यादातर वॉयलेंट मूवी देख के या WWF के प्रोग्राम देख के अपने आप को शांत करते हैं। ऐसे बच्चे बड़े बेचैन रहते हैं और बड़े हेल्पलेस रहते हैं। जब भी अपने लाइफ के ग्राउंड रूल्स अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है, या बहुत सारे डूज एंड डोंट है, या शुड एंड शुडेंट है, और फैमिली के काफ़ी रूल्स है, तो ऐसे फैमिली में बीमारी जल्दी आती। अभी देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। ये 3 मुख्य सिम्टम है। पहला तो सांस फूलना, यानी सांस लेने में कठिनाई। दूसरा क्रॉनिक कोल्ड एंड कफ। और तीसरा लंबी खांसी, या तो सोने के पहले या सुबह को उठने के बाद में बहुत लंबी देर तक खांसी आनी। ये 3 इसके बड़े सिम्टम हैं। ये बीमारी का रूट कॉज है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। ये बच्चों को बीमारी सबसे बड़ा कारण है। ये बीमारी बच्चों को आती है क्योंकि बच्चे को माँ कंपल्सरी दूध पिलाती है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करो तो कोल्ड एंड कफ की बीमारी आती है, और एक पहला स्टेप रहता है। फिर आजकल जो बेकरी प्रोडक्ट खाने की आदि हो गए हम लोग, ब्रेड, बिस्किट्स, पिज़्ज़ा, नूडल्स, ये बॉडी में बड़ी गंदगी पैदा करते हैं, और क्योंकि ये गंदगी साफ नहीं होती है, इसके लिए ऑक्सीजन का इंटेक बराबर नहीं होता है और बॉडी में गैस ज़्यादा बनती है। ये भी बड़ा कारण है ये बीमारी को आने का, कि जब भी बॉडी में गैस ज़्यादा बन जाती है और वो गैस निकलती नहीं है तो ये बीमारी आती है। कई लोग नेचुरोपैथी सेंटर भी जाते हैं अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, और एक बार बड़े अच्छे फील होके आते हैं और उनके साथ लेने में तकलीफ कमती होती है। आइए बात करते हैं कि इसकी होम रेमेडीज़ क्या क्या है, क्या क्या हम घर पे कर सकते हैं कि ये बीमारी को हम कंट्रोल में रखें। पहला है प्राणायाम। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक लोगे उतनी ये बीमारी कंट्रोल में आएगी। दूसरा है कोई भी गर्म चीज़ पियो, यानी अगर सिनेमोन टी आप अगर दिन में 5-7 बार पीते हो तो ये बीमारी कंट्रोल में रहती है। अगर आप गर्म खाना खाते हो, सूप ज़्यादा पीते हो, तो बॉडी में ठंडी मेल्ट होती है और इसका अटैक कमती होता है। क्या तरह के खाने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए अगर आपको लगता है कि अस्थमा आपको है।
पहला है डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क, दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट। दूसरा है बेकरी प्रोडक्ट। तीसरा है खट्टी चीज़ें, अचार, कोई भी खट्टी चीज़ें, आम अचार। और चौथा है चिकनी चीज़ें यानी कोई भी ऑयली प्रोडक्ट, अगर आप फ्राई किए हुए कोई भी चीज़ खाते हो तो ये बीमारी का अटैक जल्दी आता है और ज़्यादा देर तक रहता है। एक्यूप्रेशर का भी काफ़ी रोल है ये बीमारी को ठीक करने के लिए, और टेम्प्रेरी एक्यूप्रेशर ही बीमारी को ठीक करता है। इसका अटैक बढ़ जाता है तो कई बार आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है खाली ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए, और इसका मतलब ही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बीमारी आती है। जब आपके किसी फैमिली मेम्बर को अटैक आवे तो आपको सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए और पैनिक में कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा उसको ऑक्सीजन लेने के लिए आप मदद कर सको उतना आपको करना चाहिए। ये बीमारी 100% क्योरेबल है क्योंकि इसका रूट कॉज साइकोलॉजिकल है, और अगर फर्स्ट स्टेज है तो हम लोग इसको 10 दिन में ठीक करते हैं, और अगर लास्ट स्टेज भी है तो भी ये बीमारी 100 डेज में ठीक होती है। ये बीमारी बड़ी अनसर्टेनिटी लाती है, बड़ी इनसिक्योरिटी लाती है लोगों की लाइफ में, और जब भी किधर बाहर जाने की बात आती है तो बड़ी अनसर्टेनिटी और बड़ी इनसिक्योरिटी लाती है, और आदमी बड़ा बेचैन हो जाता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, और ये फियर के कारण ये बीमारी और एग्रेवेट होती है। ये बीमारी को अगर रोका नहीं जावे तो लंग्स के इन्फेक्शन भी होते हैं और फिर न्यूमोनिया का अटैक भी आता है। ये बीमारी ज़रा भी जेनेटिक नहीं है, मगर क्योंकि फैमिली का माहौल में अगर जो रहता है तो अगर पेरेंट्स को भी अस्थमा है, इसका मतलब वही माहौल और वही खाने में अगर बच्चा भी रहता है तो उसको भी अस्थमा आ सकता है, बट ये बीमारी जेनेटिक ज़रा भी नहीं है। ये बीमारी में इनहेलर का बहुत ही अच्छा रोल है अर्जेंसी में, और टेम्प्रेरी रिलीफ इमीडिएटली मिलती है, और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी इनहेलर साथ में रखते हैं, और जो कि अनवारंटेड है क्योंकि ये बीमारी ठीक हो सकती है। मैं ये बीमारी के कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं जा रहा हूँ कि एयर सैक्स क्या होते हैं और स्वेलिंग क्या होती है और इन्फेक्शन क्या होता है, मैं आम आदमी की लैंग्वेज बता रहा हूँ कि अस्थमा एक साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, और हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं पिछले 2 साल में, और सबके अंदर बीमारी का रूट कॉज साइकोलॉजी पाया है, और इनकी अगर साइकोलॉजी ठीक की जाए और फिजिकली भी उनको नेचुरोपैथी की तो ठीक किया जाए तो 100% रिकवरी पॉसिबल है और होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ लव, नॉट बीइंग इम्पॉर्टेंट इन फैमिली, ऐसे बहुत से कारण हैं कि जिसके कारण ये बीमारी आती है। जो लोग भी 10 से 20 टाइम इनहेलर लेते हैं एक एक दिन में, ऐसे 10 दिन के ट्रीटमेंट में इनहेलर छुटा सकते हैं। में एक्यूप्रेशर, बॉडी मसाज, प्राणायाम, फूड रिस्ट्रिक्शंस, एक्सरसाइज की हैबिट्स, ये सारी बहुत हेल्पफुल होती है ये बीमारी को कंट्रोल करना। ये सब बीमारी के रूट कॉज समझने के लिए हम लोग ने एक माइंड मैपिंग का टेस्ट डेवलप किया है कि जिसमें हम लोग 300 से ज़्यादा रीजंस के लिखे हुए हैं, और पेशेंट को खाली टिक करना है कि इसमें से उसके क्या क्या बीमारी के कारण है। अंत में इतना ही बोलूँगा कि ये बीमारी 100% क्योरेबल है, अगर फर्स्ट स्टेज है तो 10 डेज में, और अगर 10 साल पुरानी बीमारी है तो भी 100 डेज में है, और इसके मुख्य कारण साइकोलॉजिकल इमोशनल है, और 20% कारण इसके फिजिकल है, और अभी तक का जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा है अस्थमा का वो गलत ट्रीटमेंट चल रहा है। टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट यस, जो इनहेलर है और जो टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही है, वो लेना ही चाहिए, मगर ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसका साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर है, और उसी को डील करना चाहिए, और ये 100% ठीक हो सकती है। थैंक यू।